हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सुबह का सरिया वगैरह लेने के लिए गए थे, 8 बजे का टाइम हो गया। तो ये अभी हमारी ट्राली आई है सरिया वगैरह की, तो अभी ये छत के ऊपर चढ़ाने के बाद सुबह सरिया वगैरह की डब्बी बांधेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो सुबह को तो लैंटर मजीद नहीं बढ़ा जाएगा, मजीद परसों को ये भराई का काम शुरू होगा। अभी तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा सरिया छत के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो सुबह को अपडेट देंगे। ये देखें जी गाइस, हमारा सरिया छत के ऊपर ये चढ़ चुका है, तो हम छत के ऊपर आराम कर रहे हैं। ये देखें बिस्तरे विषय में दाऊद भाई, ये देखें लेट के आम खा रहा है। ये नौमी है, ये कैफ आम वगैरह ले गया। ये शटरिंग हो गई है हमारी, छत के ऊपर बैठे हुए हैं। सुबह सरिया इंशाल्लाह बांधा जाएगा और परसों को हमारा लैंटर जो सा बनेगा भराई होगा। तभी नौमी साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि घर रो के आम वगैरह मांग के ले के आए हैं। तो साहब को भी से लेकर आए हैं भाई, ये आबद भाई ने हमें पैसे दिए, अपने पैसों से लेकर आए हैं। हाँ जी, अपने पल्लों से अपने पल्लों से नहीं ना ले लेकर आए, अपने पल्लू से हम लेकर आए हैं। ये दोस्त भाई फुल नींद में आम खाते हुए, 2 बज रहे हैं तो हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। वैसे किन्नर पे किलो वाले लेके आए हैं यार, ये मुझे हमें मिले हैं 150 रुपए केजी। 150 रुपए पर केजी, यस पर केजी। 100 रुपए किलो वाला अंब होना मेरे अंदाज़ में। तू मुल्ला दा ला ला वेख यार, आई थिंक बाबा ऑलरेडी लाग बैठा है। हम बैठ के सारे आम खा रहे हैं, सारे आम पोला करने में लगे। पोले का लफ्ज समझते हैं, पोला मींस नरम। सुबह हम उठे, 6 बजे का टाइम हो गया। इधर ये देखे दूध चला गया, तो मैं भी नीचे जाने लगा हूँ। वो धोते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, सरिया वगैरह ऊपर बांधा जाएगा। लो जी, बनया गया रिश्तेदारों लैंडर का सरिया। जिसे गल्ला करते कि 5-6 साल तो पहले यह मकान नहीं बन सकता, साडा लैंडर दे आले पै गया। कल इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल लैंडर कल पै जाएगा, तो रही जिंदगी इंशाल्लाह सारा मुकम्मल करके तुहानू दिखावांगा। तो जी सरिया हमारा बांधा गया, तो हम मामिया कलोनी आए हुए हैं, तो वो वाजिद भाई अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के बजरी वगैरह चेक कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी अड्डे फिर रहे हैं, बजरी चेक कर रहे हैं, रेट बहुत ज़्यादा हुए हैं, फर्को फर्की रेट है कंपनी के हिसाब के साथ। तो अड्डे में अभी बैठे हुए हैं, देखते हैं हमारा क्या रेट होता है, तो फिर हम बजरी ले के घर जाएंगे। तो आज हम गए थे वामिया कॉलोनी लैंडर के लिए, बजरी लेने के लिए। तो आबद भाई बिजी है अभी, तो इसलिए व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये देखिए इधर एक ट्रक आ गया, ठीक है, और वो आवाज भी बैठे हैं, ठीक है। तो अभी एक ट्रक आ गया और एक ट्रक अभी आ रहा है, तो आएगा तो हम दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह सुबह लैंडर पड़ेगा, उसका भी आपको लोग दिखाएंगे। तो ओके तो गाइस, एक ट्रक वो देखें वो फारग हो गया, ठीक है। ये देखिए ये बजरी उसने उतार दिया, और अभी ये दूसरा ट्रक आया, तो ये भी अब बजरी उतारेगा। एक ट्रक ने बजरी उतार दिया, ये देखे जी, ये एक ट्रक जा रहा हमारा, तो एक ट्रक उधर खड़ा हुआ, वो देख, एक ट्रक वो है, अभी उसकी बजरी उतरनी है। तो एक ट्रक ये हमारा निकल गया, दूसरा ट्रक रह रहा, अभी हम खाना वगैरह खा के फिर आपको दिखाते हैं कि कितनी बजरी आई है हमारी। एक जा रहा है, एक ये बैग लग रहा है ट्रक इधर, ये बजरी उधर उतर रही है। लो जी फाइनली हमारा लैंडर जो मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर जिसने नहीं किया, और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारी ऑल वीडियो आप तक पहुंच सके।
आपको मशीन की या छोटी मोटी इसलिए वीडियो नहीं थी दिखाई, कुछ बारिश भी हुई थी उस दिन, ठीक है, बारिश हुई थी, फिर कुछ मोबाइल की बैटरी डाउन थी इसलिए मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका। तो मुकम्मल लेंटर हो गया ये देखें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ये व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह।